एवरीवन, वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। सात कदम नाम की एक स्पोर्ट्स ड्रामा वेब सीरीज रिलीज हुई इरोस नाउ पे। चार एपिसोड्स हैं और दो घंटे की बस ये वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद इतना रियलाइज हुआ कि ये वेब सीरीज नहीं है, ये फिल्म है। बस इसके चार टुकड़े करके इसे वेब सीरीज की तरह परोसा गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। इसको डायरेक्ट किया है के मोहन झा जी ने और स्क्रिप्ट डायलॉग उन्होंने खुद ने ही लिखे हैं। इसमें रोनीत बोस रॉय है, अमित सद है, दीक्षा सेठ है और रोहिणी बैनर्जी है। इन चारों के अलावा और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सपोर्ट में। कहानी जो है ये इर्द गिर्द घूमती है फुटबॉल के और एक फैमिली के, मतलब फुटबॉल बहाना है, एक फैमिली के बारे में ये पूरी कहानी है। इस फैमिली में जो कन्फ्लिक्ट है फुटबॉल को लेकर, फुटबॉल के गेम को लेकर, इसके बारे में हम देखते हैं। ये सब कुछ जो है ये वेस्ट बंगाल की आसनसोल कोलकाता की कहानी हमें दिखाया है डायरेक्टर ने। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो रोनीत बोस रॉय, इसने जो है अरबिंदो पाल का रोल प्ले किया। एक 55-60 साल का ये इंसान है जो फुटबॉल प्लेयर था, आज कोच हैं, और जॉब्स भी करता है। और उसके सपने टूट चुके हैं क्योंकि उसकी टांग टूट जाती है, तो उसके जो सपने हैं फुटबॉल को लेकर वो टूट चुके हैं। तो वो जो दर्द है उसके चेहरे पर हमें दिखाई देता है। और रोनीत रॉय की इससे पहले जो मैंने काम देखे खास करके फिल्मों में, तो मुझे डर लगता है इस पर्सनैलिटी से रोनीत रॉय के, क्योंकि जिस तरीके से कैरेक्टर उन्होंने प्ले किए, खास करके अनुराग कश्यप की एक 2014 में फिल्म आई थी अगली नाम की, उसमें उसका रोनीत रॉय का ग्रे कैरेक्टर है, या फिर बॉस नाम की फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है। तो बहुत ही डरावना इम्पैक्ट जो है वो ऑडियंस पे छोड़ते हैं, इस तरीके का परफॉर्मेंस होता है। लेकिन इस फिल्म में, वेब सीरीज में, बहुत ही अलग किस्म का काम उन्होंने किया है। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, बीच बीच में बंगाली निकलती है और जो हिंदी होती है वो भी बंगाली एक्सेंट में वो बोलते हैं, लहजा बंगाली होता है। और बड़ा ही संयमी किस्म का ये इंसान है, थोड़ा दुखी है, गुस्सा तो हम नहीं देखते इसके चेहरे पे, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतने साल जो होते हैं सपने टूटने का दर्द, जो जो झेला उन्होंने उसका दर्द, तो एक फ्रस्ट्रेशन हम देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई गुस्सा नहीं। और उनका जो अपने बेटे की तरफ जो लगाव है, जो वो एक आस लगा कर बैठे हैं अपने बेटे से कि वो भी फुटबॉल खेले, कुछ अचीव करे। और अमित सद का भी काम मुझे बहुत पसंद आया, उसने भी इस प्रकार का कोई कैरेक्टर से पहले प्ले नहीं किया होगा। कभी कभी सहमा, कभी कभी कंफ्यूज, कभी कभी इमोशनल, इस तरीके का ये रोल अमित सद ने प्ले किया है जो एक फुटबॉल प्लेयर है। लेकिन जो है सोच जो है जो बाप बेटी की, वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। तो बहुत ही ये बाप बेटे की जो केमिस्ट्री है वो देखने में थोड़ा बहुत मतलब इमोशनल में हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस पूरे वेब सीरीज़ की, या कहूँ फिल्म की, थोड़ा मेलोड्रामा ज़्यादा है, खिंचा हुआ मेलोड्रामा है। और रोहिणी बैनर्जी जिसने माँ का रोल प्ले किया है रवि के, और अरविंदो की बीवी का रोल प्ले किया है, तो एक जो कैसे केयरिंग लविंग माँ होती है किसी भी घर में, उसी तरीके का ये कैरेक्टर है जो घर की तरफ ध्यान देती है, बेटे की तरफ, पति की तरफ, बेटियों की तरफ, जिस तरीके से वो घर को चलाती है, इकट्ठा रखती है सारे फैमिली मेंबर्स को, तो उसी तरीके की एक बढ़िया रोल जो है रोहिणी बैनर्जी ने किया है। दीक्षा सेठ जो है ये एक बबली गर्ल बनी है, हैप्पी गो लकी टाइप की ये बबली गर्ल है, किरण बैनर्जी का रोल उसने प्ले किया है, और ये लव इंटरेस्ट है रवि का, अमित सद का। तो जो उसको रोल दिया है बबली गर्ल का, वो उसने जो है ठीक ढंग से पेश किया है, उससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन काफ़ी बड़ा रोल उसको दिया गया है। जो है बीच बीच में ह्यूमर लाने का काम करता है, बबली गर्ल है तो थोड़ा बहुत ह्यूमर होगा, तो ह्यूमर लाने का काम उसने बहुत अच्छी तरीके से किया, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमर नहीं है लेकिन चल जाता है। और एक नेगेटिव कैरेक्टर की एंट्री होती है बाबुल बैनर्जी की, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि यार ये टिपिकल स्पोर्ट्स ड्रामा होगा, राइवलरी होगी और अलग जो टिपिकल हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं वैसा कुछ होगा, होता भी है वैसा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे वेब सीरीज़ को, या कहूँ मैं फिल्म को, एंड किया है, तो एक स्टीरियोटाइप उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश की है। ड्रामा है लेकिन एक ट्विस्ट भी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एंड किया है। बस प्रॉब्लम ये है कि मेलोड्रामा ज़्यादा है, खींचा हुआ मेलोड्रामा है फैमिली का, इमोशनल करने के लिए ऑडियंस को। और बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, गाने हैं, कुछ मीनिंगफुल गाने डालने की उन्होंने कोशिश की है, तो उन गानों में कव्वाली भी है। इतना मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरे गाने हैं, मीनिंगफुल गाने उन्होंने डाले हैं, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ते ऐसा मुझे तो महसूस हुआ। जिन्हें ये जो है मेलोड्रामा
देखना पसंद है, खास करके जो टीवी सीरियल्स एंजॉय करते उनके लिए तो ये ट्रिट है ये वेब सीरीज़। अगर मैं रेटिंग के बारे में मैं कहूँ तो अगर 100 रुपये अगर आप मान लो इस वेब सीरीज़ को देते हो देखने के लिए तो आपके 60 रुपये वसूल होंगे। इस तरीके से ये वेब सीरीज़ बनाई है, ठीक ठाक बनी है, इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी ये ठीक ठाक है वेब सीरीज़, खास करके इसके परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत पसंद आए। चलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।